Why do they come in this system? Because they want to have power. And they know very well, once they have power, they can do anything that they like to. They can do anything for their benefits. They can do anything for their personal benefits. And dear ladies and gentlemen, आपको पता होगा कि अगर एक CSS पास करने वाला, ये PMS पास करने वाला, एक assistant commissioner, अगर किसी जगह पर अड़ जाए, एक ASP, अगर किसी जगह पर अड़ जाए, तो politicians भी उसका कुछ नहीं कर पाते. Suspend वो उसको नहीं करवा पाते. एक तबादला है, वो भी जिस सियासतदानों की हुकूमत हो, वो भी जरूरी नहीं हमेशा चले. एक को ट्रांसफर करवा लेगा दूसरे को, लेकिन फिर जो अड़ जाएंगे क्या करेगा उनको. MPA MNAs को मैंने रुलते देखा है, जहां पर एक सिंगल असिस्टेंट कमिश्नर, एक सिंगल ASP अड़ गया है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, वो MPA MNA मिनिस्टर भी उसका कुछ नहीं कर पाता. दिस इज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज, और ये इस तरह हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाती है. अब नैब की लिस्ट देख लें, या करप्ट डिपार्टमेंट का, करप्ट तीन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री निकाल लें. एवर सिंस पाकिस्तान केम इनटू इट्स एग्जिस्टेंस, तब से आपको सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी टॉप पे मिलेगी. पुलिस ऑफिसर्स ASP बन के DIG तक जाते हैं, और इनकी हजारों लाखों में सैलरी है, लेकिन अरबों रुपए इनके बन जाते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट इज एट टॉप. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई कीप माय वर्ड. यू मे गूगल इट राइट हियर राइट नाउ. इफ यू डोंट बिलीव इन गूगल, यू कैन सर्च इट. अगर मैंने तो सर्च की हुई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट. पुलिस डिपार्टमेंट इज एट द टॉप. करप्ट तरीन डिपार्टमेंट सिविल सर्वेंट्स आपको मिलेंगे. फिर सेकंड नंबर पे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलेगा ब्यूरोक्रेसी में. एक DC डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर, फिर ये सेक्रेटरी शुरू हो जाते हैं. ये बोन होते हैं, हड्डी होती है किसी भी जिस्म की. जैसे जिस मुल्क की अगर कोई पिलर्स हैं, कोई बैकबोन है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं. पॉलिटिशियन सियासतदान को मैं डिफेंड नहीं करता, देर आर मैनी करप्ट. लेकिन आपने दो चार चीजें नोट की हैं कि ये जो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ देम, अ बिग नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान इज इलिटरेट है. बड़ी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान की, दे डोंट नो कि करप्शन करनी कैसे है, किस तरह वो कैसे करें, क्या साइन करें, किधर से क्या निकालें, कौन सा पेपर कहां पर सबमिट करवाएं, तो करप्शन करने के मौके मिलेंगे. और कौन इनको सिखाता है? ब्यूरोक्रेट्स. दे टीच द पॉलिटिशियंस के करप्शन करनी कैसे है, किस तरह करप्शन करके ये सेव रहेंगे. अगर कोई भी जाहिल इंसान या अनपढ़ कोई भी किसी कुछ बन भी जाए, अगर उसको पता ही नहीं कि हाउ टू कंट्रोल, कि कैसे करप्शन करनी है, या ब्यूरोक्रेसी ईमानदार हो, वो कभी भी नहीं कर सकता. अगर करेगा, द वेरी नेक्स्ट डे ही विल बी इन द प्रिजन. लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इनको ये रास्ता दिखाते हैं. आज भी, अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर वो ना बना तो मैं आपको डिटेल में विद एविडेंसेस बताऊंगा कि एक जूनियर क्लर्क है जिसका तबादला बहावलपुर सदर एसी ऑफिस से अहमदपुर शर्गिया एसी ऑफिस में हुआ. और एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कि अहमदपुर में शर्गिया में है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा, उसके नीचे एक बंदा है जिस पर नैब के केसेस चल रहे हैं, जिसने सी पैक में से घपले किए, और छोटी सी उसकी एक थोड़ी सी हजारों में तनख्वाह है, लेकिन करोड़ों में उसकी बिल्डिंग्स और गाड़ियां और ये वो सब कुछ है, एक क्लर्क. और वो असिस्टेंट कमिश्नर उसका तबादला, उसका ट्रांसफर नहीं होने देता. क्यों? क्योंकि रोज उसको 30,000-50,000 मंथली मिलती है. आई विल नॉट नेम, लेकिन अगर ये किसी नतीजा किसी पर मुकाम पे नहीं पहुंचा, तो देन आई विल नेम इट.
तो रोज का कभी डोमिसेल से, कभी किसी सिग्नेचर से, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से 30 to 50 thousand वो क्लर्क एसी को देता है और एसी उसका तबादला नहीं होने देता। ये एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ ब्यूरोक्रेसी इज किलिंग अवर अवर नेशन। तो ये कहने को आप खुद ही सोच लें कि ब्यूरोक्रेसी का निजाम था घोड़े का निजाम। उन्होंने ये निजाम बनाया ताकि वो हमारी कौम को गुलाम बना सके, ताकि वो हमारी कौम को जब चाहे एक डंकी गधे की तरह जहां मर्जी मूव कर सके। एंड हाउ अनलकी वी आर कि आज 2019 आ गया लेकिन वो इंसानों को गुलाम बनाने वाला और अपनी मर्जी से रिसोर्सिस को, पाकिस्तान कंट्री के रिसोर्सिस को, जिस तरह गोरे ब्यूरोक्रेसी का निजाम बनाया कि वो सब कॉन्टिनेंट के रिसोर्सिस को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके, रिसोर्सिस को छीन सके, उसी तरह ये ब्यूरोक्रेसी का निजाम आज भी 2019 में भी है और ये भी वे सेम वैसे ही पाकिस्तान के रिसोर्सिस को लूट रहे हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक डॉक्टर वो तब तक इलाज नहीं कर सकता मरीज का जब तक उसको एग्जैक्ट पता ना चले कि बीमारी है क्या और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है। और हमें, हम इस कौम को, आप खुद ही हिसाब लगा लें, इस कौम को अभी तक यही नहीं पता चला कि हमारे दुश्मन कौन है। या मैं नहीं ये कहता सब ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, देर इज अ परसेंटेज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु इज डूइंग ग्रेट टू मेक दिस कंट्री ग्रेट, लेकिन अफसोस के 2-3-4% से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। अबाउट 95 to 96% ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज करप्ट इन पाकिस्तान। और इस तरह घपले करते हैं, इस तरह घपले करते हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर अगर एक दिन की 40-50 हजार या 1 लाख रुपए तक करप्शन कर सकता है, तो आप दूसरे डेप्यूटी कमिश्नर से क्या, सेक्रेटरी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, आप सिविल सर्वेंट पुलिस ऑफिसर से क्या उम्मीद रखेंगे। हर 5 में से पाकिस्तान के 4 सिटीजन्स जो हैं उनको एतमाद ही नहीं सिविल सर्वेंट स्पेशली सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे, उनको पुलिस पर एतमाद ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यू कैन सर्च। The thing is, we actually need to understand that who is the real enemy. तो मैं ये कहूंगा, आप को एक और चीज मेंशन करता चाहूं कि सिंगापुर दुनिया में एक वाहद कंट्री है, सिंगापुर, जो कि अपनी इंडिपेंडेंस पे रोया, इट क्राइड, ये कंट्री रोया, इसके लीडर्स रोए। हालांकि जो भी कंट्री आजाद होता है वो एंजॉय करते हैं, जश्न मनाते हैं आजादी का, लेकिन ये कंट्री रोया। और इस कंट्री में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, के तालीम की वजह से इसने, ब्यूरोक्रेसी ठीक होने की वजह से इसने तरक्की की, वहां पर तालीम पर बजट लगाया जाता है 16% से 24 और 30 तक चला जाता है। एंड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान यहां पर बजट लगता है 2.3% और अब जाके गालिबन 2.7% हुआ है। यू मे सर्च इट, जिस कॉम पर 2.3% या 2.7% बजट लगे जीडीपी का और दूसरी कॉम में जिन जो 24 से 30% खर्च करें तो कौन आगे बढ़ेगी। और ब्यूरोक्रेसी जो है उनके पास ये सिस्टम होता है कि वो इस तरह का निसाब, इस तरह का सेक्रेटरी एजुकेशन या इस तरह का सिस्टम ले आए कि इस कंट्री को आगे ले रहे, बट दे डोंट डू इट। इसकी लास्ट में एक मिसाल दूंगा, डिटेल में मैं फिर कभी बात करूंगा, कि अगर ये ब्यूरोक्रेट्स को बहुत आग लगेगी ये सुन के, ये सच, ये कड़वा सच जान के, लेकिन मैं आपको ये टोटल समराइज करूं तो एक मैं बात आपको बताऊंगा, आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, किसी डेप्यूटी कमिश्नर, किसी एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, किसी सेक्रेटरी, कहीं पर भी चले जाएं अपने हक के लिए, लीगल जो आपका काम है उसके लिए, नंबर 1 ये करेंगे नहीं। नंबर 2 ये तब करेंगे जब उनको पता होगा कि ये उनके गले का तोक बनने वाला है। नंबर 3
अगर उनको पता हो कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर इनको पता हो कि ये काम होने से उनको नुकसान है, उनके पर्सनल बेनिफिट्स को नुकसान है, ये फिर भी नहीं करेंगे। और फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, ये कहीं पर भी जहां पर भी ये अड़ जाएंगे, और अगर आप इनके सामने गुस्से से अपने हक के लिए थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लोगे जो बदतमीजी के जुमरे में आ जाए, या थोड़ी सी अपने हक के लिए चिल्लाओगे, और अगर इनको बुरा लग गया, तो ये पूरी उम्र, चाहे आप हक पे हैं चाहे आप लीगल हैं, ये आपका काम नहीं होने देंगे। और जो आपका काम नहीं होने देगा, वो इस मुल्क का काम नहीं होने देगा, वो इस मुल्क का कैसे सच्चा है और हक्का सच्चा और पक्का पैट्रियट है? वो मुहब्बे वतन तो नहीं है, जो अपनी अकड़, अपनी ईगो, यानी इतना पढ़ के कहते हैं, इनको अपने आप पर बड़ा फख्र होता है कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को क्या हम खाक, हम क्या सर पे लेके जाएं, खाक में डालो इस पढ़ाई को, अगर ये तुम्हें, तुम में से ईगो खत्म नहीं कर सकी, अगर ये तुम्हें तरबियत नहीं दे सकी, अगर ये तुम्हें गरीबों का भला नहीं करने दे सकी, अगर ये तुम में एहसास पैदा नहीं करने दे सकी ये पढ़ाई तुम्हें, तो क्या फायदा तुम्हारी इस पढ़ाई का? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपने यूथ से, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को चेंज होना चाहिए। ये बनाई गई थी गुलामों को काबू करने के लिए और सब कॉन्टिनेंट के रिसोर्सिस को छीनने के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग नाउडेज। ये गुलाम भी बनाते हैं, ये हक भी नहीं देते, और ये रिसोर्सिस को भी लूटते हैं। इसकी बजाय अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट आगे आए, या आप देखें कि कोई पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिक्स में इसलिए भी आ जाता है, एहसास होता है कि यार मैं अपने मुल्क का कुछ फायदा करूं, मैं सब पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी करप्ट आउट देयर, लेकिन कुछ इसलिए भी तो सियासत में आते हैं कि इस मुल्क का भला कर सके। लेकिन कौन है जो सिविल सर्विसेज में इसलिए आता है कि नहीं मैंने भला करना है अपने नेशन का? आपको पता है जो भी आता है पावर के लिए आता है कि कल को मुझे रूटर वाली गाड़ी मिलेगी, मुझे सुबह से शाम तक सल्यूट बजेंगे, मेरी एक इज्जत, मैं जो मर्जी कर सकूंगा, इसलिए आते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें, अगर हम ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का सिस्टम बना लें कि पढ़ने लिखने के बाद जो बंदा एधी की तरह कुछ देर इस मुल्क की खिदमत नहीं कर